नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों हम कर रहे हैं रीजनिंग और ये हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 6 रहेगी और हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और हम करेंगे टाइप टू टाइप से जितने भी टाइप्स बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के उनको हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को ऑल नेक्स्ट एग्जाम परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसकी? नव वर्ष की। तो नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस साल जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप सफल रहें। ठीक है, मेहनत करते रहें, मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। किस्मत कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत के बलबूते के ऊपर ही आप सभी जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे। तो अब यही मैं कहूँगा आप सभी से कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, ओके, और बस आगे बढ़ते रहें, प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए हम भी प्रभु का नाम लेके जय श्री राम बोल के हम भी आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे कोड एडुकेशन, और कोड एडुकेशन में हमने जो टाइप बन किया था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें सिंपल बताया था कि अगर माइनस का मतलब हो आपका प्लस है, प्लस का माइनस मतलब आपका मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब आपका डिवाइड है, और डिवाइड का मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी करके, ठीक है, माइनस है। तो उसके केस में कुछ मैं स्टेटमेंट लिखता था और आप लोग बताते थे कि इसका आंसर जो है किस तरह से आएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक रहता है रहता है आपका बॉर्ड मास का। ठीक है, बॉर्ड मास, तो बॉर्ड मास हमारे यहाँ पे जब भी हम इन क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो बॉर्ड मास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले हमको करना होता है डिवाइड, फिर करना होता है हमें मल्टीप्लाई, फिर करना होता है आपके एडिशन, और लास्ट में करना होता है आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, जो माइनस घटाने वाला काम होगा वो सबसे लास्ट में इसमें किया जाता है। और सबसे पहले अगर ब्रैकेट कहीं भी है, चाहे ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको घर के लिए भी क्वेश्चन दिया था और आप सभी ने उसके लिए लास्ट वाली वीडियो में कमेंट बॉक्स में देख रहा था, कुछ लोगों ने आंसर भी लिखे थे, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोग साथ साथ में कुछ ना कुछ इसमें कर रहे हैं। आज जो रहेगा, आज थोड़ा सा हट के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पैटर्न तो वही रहेगा लेकिन इसमें जो क्वेश्चन का जो टाइप रहेंगे वो थोड़े से हट के रहेंगे। जैसे कि केवल क्या होगा, आपको प्लस माइनस ना देख के उसकी जगह के ऊपर कोई सिंबल दे दिया गया होगा, या फिर आपको ए बी सी डी कुछ इस तरह से लिख के दे दिया होगा, तो उस केस में आपकी क्या अप्रोच रहेगी उसको हम टैकल करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया कि अगर ये तो लेस देन, लेस देन का मतलब आपका माइनस है, ग्रेटर देन का मतलब आपके पास प्लस है, इक्वल टू का मतलब है आपके पास मल्टीप्लाई, और जो डॉलर साइन है इसका मतलब है आपके पास डिवाइड। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर 27 ग्रेटर देन 81, डॉलर साइन, फिर आपके पास है 9 लेस देन 8 इक्वल टू 2। इस केस में हमारा क्या अप्रोच रहेगी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो जो जो सिंबल यहाँ पे दिया होता है उसको चेंज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 27 अभी है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन जो है प्लस है, प्लस करेंगे हम यहाँ पे 81, फिर है डॉलर साइन, डॉलर साइन का मतलब आपके पास यहाँ पे डिवाइड बाई 9, फिर आपके पास लेस देन के का मतलब हमारे पास माइनस 8, और इक्वल टू का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें लगाना पड़ेगा बॉर्ड मास। तो बॉर्ड मास में जैसे आपको पता है सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो हमें डिवाइड क्या दिख रहा है, ये 9, इसका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 9 81, ओके। उसके बाद हमें करना होता है, अब क्या बस बनाइए, 27 प्लस 9 माइनस 8 इंटू 2 16, ओके। अब प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस माइनस वाले एक तरफ कर दो, 27 प्लस 9 9 23 9 4 36 36 माइनस 16 करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। क्या हमारे पास 20 सही आंसर है? यस, 20 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छा, एक और, थोड़ा सा तबीयत बहुत ख़राब है, कल तभी आपकी वीडियोज़ नहीं आई थी, मतलब कल तो बोला भी नहीं जा रहा था, आज थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही है तो सोचा कि उन्हें वीडियो बना दी जाए। अच्छा, एक बेसिक जैसे सवाल थे, मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, अगर हमारे पास माइनस वन है मल्टीप्लाई बाई माइनस वन है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस वन, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस जो होगा आपका प्लस वन हो जाएगा। अगर हमारे पास प्लस वन है मल्टीप्लाई करें हम माइनस वन से, आंसर आएगा माइनस वन, यानी कि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमेशा हमारे क्या आता है, माइनस आएगा। अगर माइनस वन माइनस वन माइनस वन लिखा है उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 3 आएगा। ठीक है, प्लस तो होगा लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्या मतलब है इसका, अगर आपके पास एक एक आदमी से हमने 1 रुपया उधार लिया है, किसी और से 1 रुपया और उधार लिया है, किसी और से 1 रुपया और उधार लिया है, तो आपके पास उधारी के इस टाइम आपके पास 3 रुपये हो गए हैं और वो है उधारी के। अगर यहाँ पे प्लस 7 है माइनस 1 है, ये तो बहुत आसान है, बस 7 ट्रॉफी आपके पास, एक ट्रॉफी आपने किसी और को दे दी, आपके पास आंसर आ गया प्लस का 6। अगर माइनस 6 होगा और प्लस 1 आएगा उस केस में आपका आंसर क्या रहेगा यानी कि आपने किसी से 6 रुपये उधार लिए थे और
आपने उसको बाद में 1 रुपया दे दिया, ठीक है, तो आपके पास जो है वो -5, अभी भी आपके पास उधार है लेकिन वो माइनस में ही इसमें हम काउंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी अप्रोच रहती है इसको सॉल्व करने की। एक और आता है, अगर हमारे पास -2 का स्क्वेयर आएगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे, इसको हम +4 लिखेंगे। अब क्यों, अब अगर हमारे पास -2 का यहाँ पे 3 आएगा तो हमारे पास आंसर रहेगा -8 रहेगा। क्यों होता है ऐसा, अब हमें पता है कि -(-) हमारे प्लस, -(-) अब क्या आएगा, -(-) +(-) दोबारा से माइनस ये बन जाता है। तो ये कुछ अप्रोच रहती है बेसिक मैथमेटिक्स की, तो ये आपको होनी चाहिए, मतलब बहुत, ये बहुत बेसिक से सवाल है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आई होप आपने बेसिक्स को थोड़ा सा समझ लिया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास इसमें यहाँ पे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ही नहीं, यहाँ पे मेडिकल के भी हैं, कुछ हमारे पास आर्ट्स के भी हैं, कुछ कॉमर्स के भी हैं, तो सभी को एक तरह का रीकैप मैंने दे दिया। पढ़ा तो सभी नहीं होता है लेकिन फिर भी स्किप हो जाती है बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन था, एक और भी एक क्वेश्चन और देखा था मैंने आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बोला गया कि ए का मतलब जो है वह आपके पास माइनस, बी का मतलब जो है वो आपके पास डिवाइड है, सी का जो मतलब है आपके पास प्लस है, और जो डी है उसका मतलब है आपके पास मल्टीप्लाई। तो आपने बताना है 25 बी 5 सी 24 ए 2 डी और 12 का क्या मतलब रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। चलो ओके, अच्छा 25 आएगा, बी का मतलब है डिवाइड, इसको यहाँ पर डिवाइड के साथ लगा के 5 कर दो। पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो कि कम से कम इसमें आपको किस तरह से अप्रोच लग रही है और आपका किस तरह से इसको सॉल्व हो रहा है। वीडियो बहुत छोटी हुई है अभी तक, 6 मिनट की वीडियो हुई और मैंने आपको तो बेसिक जो मेरे को करवाना था आज, मैं बेसिक बहुत कुछ करवा चुका हूँ। हम प्रैक्टिस करेंगे 5-7 क्वेश्चन इसमें। सॉरी 5 है, सी का क्या मतलब है प्लस है, प्लस का 24, अब ए का मतलब है माइनस, माइनस का 2, और डी का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई 12। अब हमारे पास आंसर जो है क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5×5=25। अब ये देखो -2×12 इसमें क्या आएगा, 5+24 -12×24 ये आएगा -24, -(-) आएगा। ओके आंसर तो मुझे 5 दिख रहा है इसका, इससे ये कट जाएगा तो आंसर मेरे पास तो 5 आ जाएगा। क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर सही है आपका, ऑप्शन में तो है 5, लेट मी चेक, यही होना चाहिए वैसे तो। यस वी आर राइट, 4th क्वेश्चन है हमारे पास, 5 आंसर है, वेरी गुड, हमारे पास आंसर इसका 5 आ गया, इसका 5 आया, गुड। ठीक है एक और क्वेश्चन करेंगे, एक और क्या बहुत करेंगे अभी तक तो, अच्छा क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, सबका करने का तरीका सेम रहेगा, बस सिंबल्स को अरेंज करना। अच्छा इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ना, नहीं चलो एक कर लेते हैं, उसके बाद एक और आपको नई ट्रिक बताएंगे, एक और नए तरह का क्वेश्चन बताएंगे इसी कड़ी का। क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया कि ट्राइंगल का मतलब है हमारे पास प्लस, स्क्वेयर का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, रेक्टेंगल का मतलब है आपके पास डिवाइड, और थीटा, थीटा का मतलब है माइनस। तो आपने बताना है कि 40 यहाँ पे रेक्टेंगल, फिर है हमारे पास 8 ट्राइंगल, फिर हमारे पास स्क्वेयर, अच्छा इस यहाँ पे 8 की ट्राइंगल के पास 16, फिर स्क्वेयर, फिर हमारे पास थीटा, फिर हमारे पास 30, तो आंसर क्या आएगा। चलो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, 40 है ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब है डिवाइड बाई 8, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब है प्लस, इधर देखेंगे सारे, ट्राइंगल का मतलब है आपका प्लस, तो 16 आ गया, स्क्वेयर का मतलब है, इधर क्या नहीं लिखा मैंने, 16 के बाद क्या है 4 है, यहाँ पे 4 डाल लो, ठीक है यहाँ पे 4 आ गया, और थीटा का मतलब है हमारे पास माइनस का 13। अब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व, पॉज करेंगे वीडियो को और सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जिसको भी हमारे जो बैचेस हैं वो ज्वाइन करने होंगे, तो आज हम शायद 2 बैचेस आज हम लॉन्च करेंगे, एक बीएड एंट्रेंस के लिए आज बैच लॉन्च हो रहा है, और एक बैच लॉन्च हो रहा है आपका पटवारी बैच 7, तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो बता देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे बता देना ज्वाइन करवा दिया जाएगा, क्योंकि आज मुझे लगता है कि कुछ कैबिनेट की मीटिंग वगैरह भी है, तो आज कुछ धमाका होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। चलो जी बॉड मास में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 8×5=40, 5+16 = 64 -13 है,
ऐसा आगे क्या है? चलो जी करो, तो कुछ नहीं है, प्लस प्लस वाला एक तरफ कर दो, यानी कि 69 माइनस का 13, तो 6 आ गया, 5 56 हमारे पास आंसर आ गया। क्या 56 आपका भी आंसर आया? क्या 56 आपका भी आंसर आया? यस, हमारा आंसर भी 56 है, तो हमारा आंसर क्वेश्चन भी सही है। ठीक है, चलो ये मैंने दो तीन आपको अप्रोच बता दी। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़े हटके होंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, वो थोड़ा सा टाइम उसमें कंज्यूम रहता है, बट उसकी अप्रोच मतलब उसमें आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोला जाता है कि बोला गया कि प्लस का मतलब है हमारे पास डिवाइड, डिवाइड का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें चार स्टेटमेंट दी होंगी, स्टेटमेंट नंबर वन है हमारे पास कि 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7 प्लस 5 इंटू 2 इजिकल टू 20। फिर आता है हमारे पास सॉरी 16 सेकेंड है 16 प्लस सॉरी 18 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 इजिकल टू 18। थर्ड करेंगे तो 16 इंटू 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 2 इजिकल टू 16। सॉल्व करो भाई, सभी को सारे के सारे स्टेटमेंट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। 18 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 5 माइनस 2 इजिकल टू 22। अब भाई फंस जाते क्वेश्चन इसमें, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। करें चलो देखो उसमें क्या अप्रोच है दिया। अच्छा बोला गया है कि डिवाइड का पहले दो इन सारे स्टेटमेंट को देख लो क्या है क्या नहीं है। स्टेटमेंट नंबर वन से करेंगे, 18 है डिवाइड था यहाँ पे, डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई लगा दो। माइनस है, माइनस की जगह लगा लो यहाँ पे प्लस, प्लस है प्लस की जगह पर लगा लो यहाँ पे डिवाइड। अब यहाँ पे डिवाइड लगाया, अब मेरे कुछ हाँ यहीं से कुछ मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। अगर देखो अगर मैं इसको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 7.5। अगर 7.5 आ गया ठीक है, और यहाँ पे प्लस आएगा मल्टीप्लाई में तो कटेगा भी नहीं, तो अब इसी बात है कहीं ना कहीं पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो मुझे एक दिमाग में इससे पता चल गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा यहाँ से, ठीक है ये वाला स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं हो सकती, तो इसको मैंने पेंडिंग में रखा। ठीक है, क्योंकि 7.5 आ गया, तो 5 आ गया तो यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ से मैं कुछ ना कुछ काट देता, आंसर कुछ ना कुछ आ सकता था हमारा, तो फिर भी 20 आंसर तक पहुँचने के लिए कुछ पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा, तो इसको मैंने रख दे अभी तक उस पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसको करेंगे प्लस है, प्लस का मतलब हमारे पास डिवाइड, डिवाइड का मतलब है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस। अब इसको सॉल्व करना करेंगे, अब ये कुछ कुछ लग रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 18.6, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 7, 7 21 21, और ये आएगा आपके पास माइनस 3, वही तो आ गया, ये तो 18 आ गया, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही बन गया आपका। देखो ये इसी में ही आपका, इसमें आपको सारे सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब चलो ये तो मैंने हो गया कि आपका अगर आपका डी तक आता तो ऑप्शन हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं वाला क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था। इसको देखें, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास यहाँ पे माइनस, प्लस का मतलब है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है यहाँ पे प्लस। देखो एक तो ये 6.7 हो जाता और इंटू 5 हो जाता, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस में आता, ओके तो ये भी थोड़ी सी अप्रोच हमारे पास गलत लगेगी। इसमें देखें, डिवाइड है मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई है माइनस लगा दो, प्लस है डिवाइड लगा दो। अब ये देखो ये भी 7.5 आ गया, यहाँ पे प्लस कर दो तो भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही आंसर बन रहा है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कुछ आपकी इस तरह से रहेगी, ये टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं रहती है। अगर आप बोलेंगे यहाँ के लिए हम रीजनिंग कर रहे हैं और हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी, नहीं, शॉर्ट ट्रिक्स से कुछ कुछ टॉपिक्स में लगती है शॉर्ट ट्रिक्स, लेकिन बेसिकली आपको सभी में बेसिक्स ही लगाने पड़ते हैं, ओके हो जाता है, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, ठीक है। जो जिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें टाइम बहुत होता है, ठीक है। जीके जीएस तो सबसे आसान रहती है, जीके जीएस क्यों रहती है आसान,
क्वेश्चन आया तो किया, नहीं आया तो भाई छोड़ा, सिंपल। अब देखो जब मैं सीजर की प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं और हमारे पास 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। एक घंटे का पेपर होता है शायद वो प्री का, मुझे अभी बहुत टाइम हो गया, इतना ही होता है। तो उसमें तो जो लेबर होता है उसको बहुत हार्ड होता है ना, तो अब वहाँ की आदत पड़ गई थी मुझे कि जल्दी सॉल्व करना। अब मेरे पास जो भी पेपर आता है ना, चाहे मुझे आता हो चाहे नहीं आता हो, पर मैं बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बन चुकी है, वो स्पीड बन चुकी है एक, ठीक है। पहले तो नहीं होता था, पर एक स्पीड बन चुकी है अब कि नहीं, पता है कि भाई इतने में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, ऐसा होता है तो। ओके, मतलब आदत पड़ जाती है। एक क्वेश्चन और आपकी खिदमत में, बोला गया अगर प्लस का मतलब है डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारे पास प्लस, माइनस का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब है हमारे पास माइनस, तो बताना कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर वन है आपके पास, 72 + 6 - 3 × 5 / 3 = 38। स्टेटमेंट नंबर टू है हमारे पास, 72 × 6 + 7 / 2 - 6 = 24। स्टेटमेंट नंबर थ्री है हमारे पास, 72 / 6 + 3 × 5 - 3 = 45। स्टेटमेंट नंबर फोर है हमारे पास, 72 - 6 + 3 × 5 / 3 = 64। अब ये सारी सारी स्टेटमेंट हैं, इसमें हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा। करो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो, प्लस की जगह लगाना है हमें डिवाइड, माइनस की जगह लगाना है हमारे पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है इसकी जगह लगा लो प्लस, और डिवाइड है डिवाइड की जगह लगा लो माइनस, ठीक है जी। तो डिवाइड की जगह माइनस। अब देखो कि इसमें से सॉल्व, देखो पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ घुसेगी। चलो जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, 12 × 6 = 72 या कि 12 × 3 + 5 - 3, 5 - 3 गए तो प्लस का बच गया 2 × 36 - 2 = 36 है। ये क्या पहले ही बन गया क्या? 12 × 36 = 36 है। ऑप्शन नंबर ए ही किस्म में करेक्ट आ गया, किस्मत, मेरी किस्मत। चलो जी और भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर लगा लो प्लस, प्लस की जगह लगा लो डिवाइड, और डिवाइड की जगह लगा लो माइनस। अब यहाँ पे देखो ये भी 6.7 आ गया, ये भी कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस में ही आएगा, ठीक है। अगर 78 है, अगर 77 होता तो वो फिर भी कुछ ना कुछ में कर देता, 11 आ जाता, ये भी नहीं होगा भाई, गलत है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड है, डिवाइड की जगह लगाना है हमने यहाँ पे माइनस, प्लस की जगह पे लगाना है यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह लगाना है आपने प्लस, और माइनस की जगह लगाना है आपने मल्टीप्लाई। ये किस तरह से था, 6/3 आ जाता है इधर, प्लस 15 × 3 = 45 एलसीएम में लेते इसको फिर किस तरह से आता, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होना था फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, माइनस की जगह इनटू, प्लस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और डिवाइड की जगह यहाँ पे माइनस लगाना है। तो डिवाइड कहाँ गया मेरा, 72 × 6 / 2 इसको डिवाइड करके 2 आता तो 144 + 5 यानी तो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। 144 ये 2 ये प्लस का 2 146 का आंसर आ रहा है, तो भी नहीं, दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट नॉन करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे सही आंसर था, ठीक है जी। अब कुछ देख लेता हूँ, कुछ और इसमें टाइप बचा ना हो वो भी करवा देंगे, वरना इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को हम यही करेंगे, विराम देंगे। चलो आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके करें, मुझे पता है कोई नहीं करता, इसीलिए आपसे यही चाहेंगे हम कि खुद से करें कुछ थोड़ा बहुत। क्वेश्चन है आपके लिए, चलो बोला क्या, माइनस का मतलब है आपके पास प्लस, प्लस का मतलब है आपके पास माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है आपके पास मल्टीप्लाई। तो आपने बताया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, 10 + 5 - 14 × 10 / 15 = 158। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, 30 + 5 + 14 - 10 × 15 = 122।
थर्ड है आपके पास 30 - 5 + 14 / 10 / 15 = 162। बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं, मुझे पता है, पर कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 30 * 5 - 4 / 10 + 15 = 31। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो जी, ऑप्शन आपके पास मैंने दे दिए, ये 30 है, ये भी 30 है, माइनस है, ठीक है। चलो जी, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहिए, ज़्यादा लंबी क्यों खींचूँ, प्रैक्टिस के लिए दे दिया। बाकी जो आपका रिव्यूज़ जिस तरह से आएंगे इन वीडियोज़ के नीचे, उसी तरह से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, वरना बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।